बड़ी खबर अयोध्या से है। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज हो गया है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इसकी शुरुआत कर दी है। सम्मेलन ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश करेगा। लक्ष्य हासिल करने के लिए एक साथ होना जरूरी है, ये सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है। तो पहले ब्राह्मण सम्मेलन था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर दिया गया है और इसका अयोध्या से आगाज हो गया है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीएसपी ने ब्राह्मण समाज को सबसे ज्यादा सम्मान दिया है और लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ होना जरूरी है। वाराणसी में हम लोगों ने वहां पर भी जो है जाके वहां पर जितनी घाट है उनको हमने वहां पर उसको ठीक कराने का काम किया था। अयोध्या में आकर के ये राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अफसोस ये सीता मैया की बात कभी नहीं करते। पता नहीं क्यों नहीं करते, ये आज तक हम नहीं समझ पाए। हमने इनसे बहुत बार पूछा, हमने कहा भगवान राम की बात करते हैं, लेकिन बगैर माता के भगवान राम की बात करना तो अधूरी लगती है, पर ये हमारी बात का तवज्जो कभी नहीं देते। हमने लेकिन जब पिछली सरकार थी तो जहां पर हम लोगों की सीता मैया जाके बिठूर में लव कुश के साथ में और वहां वाल्मीकि आश्रम में रही थी, तो हमने वहां पर कई सौ करोड़ रुपए खर्च करके वाल्मीकि आश्रम को बनवाने काम किया, सीता रसोई वहां करने काम किया, वहां पर समग्र विकास करके उस क्षेत्र का हमने उसको ठीक करने का काम किया। इसीलिए हमारा दूसरा फेज मथुरा वृंदावन से शुरू होगा। तीसरा जो हमारा कार्यक्रम जब वहां के 8-10 दिन कर लेंगे तो हम लोग, सावन का महीना शुरू हो रहा है आज, एकादशी आज। तो अयोध्या की देखिए तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि वाराणसी के घाटों को सुंदरीकरण का मामला हो या फिर बिठूर में सीता माँ का मामला हो, हर चीज पर बीएसपी ने ध्यान दिया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हनुमानगढ़ी पहुंचे और एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है। कल शाम घोषित होंगे आईसीएसई बोर्ड के नतीजे। कल शाम 3 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होंगे। कोरोना की वजह से रद्द की गई दोनों बोर्ड की परीक्षाएं। तो बड़ी खबर दिल्ली से है, कल शाम आईसीएसई बोर्ड का नतीजा घोषित हो जाएगा। नतीजे घोषित हो जाएंगे कल शाम 3 बजे 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होंगे। कोरोना की वजह से दोनों बोर्ड परीक्षाएं रद्द की गई थी और ग्रेडिंग के हिसाब से एक पैमाने के मुताबिक पिछले एकेडमिक करियर को, एकेडमिक इतिहास को देखते हुए ये जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा और उसके बाद कल शाम जारी हो जाएगा।